आपको क्या लगता है जो यूसीसी हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा 2024 के चुनाव पे? कुछ नहीं पड़ेगा, पूरा पक्ष में जाएगा, पक्ष में जाएगा। 80-81 बोला है सीटों, तो 70-75 तो जाएगा ही, इतना तो पक्का है। विपक्ष में कोई है ही नहीं, कांग्रेस जब बड़ी पार्टी खत्म है, अखिलेश खुद रहे जात बिरादरी के मुस्लिम के पक्ष कर रहे हैं, यादव के, उस पर जीत जाएंगे। नहीं तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबका वो तो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, कर रहे हैं काम जो अच्छा करेगा हम लोग को, उसको अच्छा काम जो अच्छा करेगा उसके साथ हम लोग। जात बिरादरी पर नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं, कोई जो है वाद नहीं, जो देश हित में काम करेगा वही राज करेगा, और जो चोर हैं लुटेरे हैं उनका साथ अब हिंदुस्तान नहीं देने वाला है। और आप देख ही रहे हैं कि मोदी और योगी का के प्रादुर्भाव के बाद देख ही रहे हैं आप क्या क्या स्थितियां बदली हैं। बनारस जैसे शहर में जहां पे कि चलना मुश्किल होता था, गलियां ही गलियां, वहां देखिए सड़कें बढ़िया हो रही हैं, लाइट बढ़िया हो रही हैं, और ये जो भीड़ पहले देख रहे हैं ये पहले दिखाई देती थी? और ये जो 80 घाट है इस तरह का था, हम लोग तो यही पैदा हुए हैं, ये 80 घाट यहाँ पे एकदम। विपक्ष बोल रही है कि हम नफरत की राजनीति नहीं करेंगे या हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो ये बताइए हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं आपको बताइए? टीना डाबी अशरफ ये IAS में टॉपर हुए हैं, ये क्या धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसका संकेत नहीं है? अशरफ जो है वहाँ का टॉप किया, कश्मीर का लड़का है, और एक लड़का और टॉप किया था, उसने जो है इस्तीफा दे दिया, फिर वो तो ये बताइए हिंदू मुस्लिम होता तो वो बताते कि IAS में किसी को टॉप मत कराना, इनका साड़ी का सब लोग हैं। और एक भी उदाहरण दे दीजिए जिसमें मुसलमानों का सरकार ने दमन किया हो। बुनकरों को भी बहुत बढ़िया जगह प्लेस दिया यहाँ मोदी ने, बुनकरों को जो कि मुसलमान नौकरी करते हैं जहाँ योगी जी का मंदिर है वहीं रहते हैं, बुनकरों को 24 घंटे लाइट मिल रही है। और तो और सुनिए, जो राज्य उर्दू अकादमी है उसमें फुलेरा जी को, साकिब फुलेरा जी को उसका अध्यक्ष बनाए, बताइए, जबकि हिंदू होता था। हाँ, अभी ये गाना जो गाई लेडी जिसको भी चक्कर थे पहले भी गाए थे, यही पर प्रोग्राम हुआ था प्यारा भारत। आइए जानने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ कुछ युवा भाई हैं। आप 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? किसको होता है, आप वोटर हैं या नहीं है, फिर भी आपका कोई चेहरा होगा जिससे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, कौन हो सकता है आपको क्या लगता है? क्या नरेंद्र मोदी होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी को आप देखें जी? राहुल गांधी क्यों नहीं? अब क्या रीजन बताए, नरेंद्र मोदी आए तो इतना कुछ किए। सबसे बड़ा विपक्ष का सबसे बड़ा कमजोर, विपक्ष का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आपको गोलबंदी जो आप कर रहे हैं 22 दलों को मिला के वो नहीं करनी पड़ती। 38 पार्टियां सर NDA के साथ भी है, उस पर आप क्या? 38 पार्टियां NDA के साथ हैं, अच्छे लोगों के साथ हैं। जब महाजनों ये गता आशा पंथा, जिधर आदर्श पुरुष जाए लोग भीड़ उसके पीछे जाती है, तो वो मोदी जी के साथ 38 लोग हैं NDA के साथ, कि महाजनों ये गता आशा पंथा, जिस पर सत्पुरुष जाए वही रास्ता है, तो उस रास्ते को 38 लोग इख्तियार किए हैं। ये लुटेरों का दल अपना लूटने के लिए एक भी काम बता दीजिए ना कि जो इन्होंने अच्छा किया हो। गोरखपुर में 7-7 मंत्री थे, 7 मंत्री थे, एक सड़क नहीं बनी, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और जब से योगी आए हैं देखिए जाके गोरखपुर की सड़कें, 10-10 ठो फ्लाईओवर बन गया। बनारस में हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं BHU में पढ़े, यहीं सब कुछ, हम लोग का घर अरली बाजार है, और एक ठो फ्लाईओवर था लहरतारा वाला, हाँ लहरतारा वाला, आज देखिए कितने फ्लाईओवर हो गए। अभी जो मणिपुर में हिंसा हुई है, मणिपुर में मत जाइए, मणिपुर में मत जाइए, मणिपुर में जाइएगा तो मैं एक घंटा बोलूंगा सर। मणिपुर में जो कांग्रेस ने जो वीडियो सर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक भीड़, एक मॉब दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ा रही है, तो उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? मेरा सुनिए, वहाँ जो कुकी संप्रदाय है, मैथी संप्रदाय है, और एक और संप्रदाय है, तीन संप्रदाय नागा, जो कुकी संप्रदाय था यह पहले जो है हिंदू था, समझ रहे हैं? जब ये तो क्रिश्चियन ने बाहुल्य है, सुनिए ना आप तो बोल रहे हैं, तो जब अंग्रेजी हुकूमत आई वहाँ देखा कि इतनी धन संपदा है वहाँ पे, इतना अफीम और चाय की खेती होती है, तो अंग्रेजों का ध्यान उधर गया और अंग्रेज लोग वहाँ पे चाय की खेती, अफीम की खेती कराने के साथ साथ वहाँ कन्वर्शन शुरू किए, वहाँ पे लोगों को ईसाई धर्म में बदलना शुरू किया। और क्योंकि वो लोग वैष्णव थे, सब सनातनी वैष्णव थे, आप याद करिए,
और उन लोग को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया, और इस तरह से जिसका राज उसका सब कुछ, उन्होंने एक मॉब को जो कि कुकी संप्रदाय के लोग थे, जो कि पहले वैष्णव थे, पहले वो हिंदू थे, उनको कन्वर्ट करते 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 उन लोगों ने एक बड़ी मेजॉरिटी वहाँ पे कर दिया, जो कि आज के डेट में 70% वहाँ हो गई है। कितनी हो गई? 70%। और मैती संप्रदाय जो कि प्योर हिंदू वैष्णव है, उसको ये सुविधाएं नहीं दी, क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया कि हम ईसाई नहीं बनेंगे, तो उन लोगों को मुख्य धारा से दूर कर दिया। उनको दिल्ली जाने की भी इजाज़त नहीं दी, उनको ये भी कहा गया कि आप कहीं ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं आप यहीं रहिए, आपका आप बस यहीं है, इसके बाद आपका कहीं कहीं कुछ नहीं है। इस तरह से उन लोग का दोहन किया गया। तो मैती संप्रदाय ये है, और नागा संप्रदाय वो भी, उनको भी ईसाई में कन्वर्ट कर दिया। तो केवल 15% लोग हैं मैती संप्रदाय के, जिसकी लड़की को वो किया गया, उस दिन किया गया, रेप भी किया गया, उसके भाई को मार दिया गया, और दो लोगों को निर्वस्त। मैं SP पुलिस हूँ रिटायर्ड, पहली बात जान लीजिए। हाँ, तो उसको ये सब हुआ। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जब ये आई, तो उसने मिजो नेशनल, जो मिजो वहाँ पे म्यांमार से लोगों को ला ला करके और बांग्लादेश ला करके अपने तरह से काम कराने का वहाँ पे ठेका दिया गया कि चाय में तुम पैसा कमाओ, ओपियो में पैसा कमाओ, देशद्रोह से संबंधित काम करो, सब कुछ करो। जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्हें उनका ध्यान गया इस पर, उन्होंने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करना शुरू किया, और उस संप्रदाय के लोगों को कहा होश में रहो, अब कोई कन्वर्शन नहीं होगा यहाँ पे, कोई धर्मांतरण नहीं होगा। और मैती संप्रदाय को भी सुविधा दी गई, सब कुछ दिया गया, और मैती संप्रदाय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नया ऑर्डर है कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब में, हाँ, इन्वॉल्व किया, इन्वॉल्व नहीं, उनको एसिमिलेट किया जाए। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि कितना बड़ा वो था कि नेहरू कभी गए ही नहीं, नेहरू नेवर विजिटेड मणिपुर, और जबकि वो इतना इम्पॉर्टेंट जगह है मणिपुर, है ना, सब चाइना है उधर, बांग्लादेश है, नेपाल भी है। तो इस तरह के लोगों को वहाँ पे एक पक्ष जो आपकी बात मान गया, जो ईसाई धर्म एडॉप्ट कर लिया, भाई नेहरू अरू का कोई धर्म नहीं था, आप जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, उनका कौन सा धर्म है, और पूरे भारत में एक ही नेहरू खानदान है, एक तो अरुण नेहरू पता नहीं कहाँ से भाग के आ गए थे, और कोई नेहरू बताइए, है कोई? उनको पंडित नेहरू कहा जाता है इस पंडित नेहरू तो ये भारत जो है ना, ये तुष्टि परक देश है, जिसको कि चापलूसी करनी हो, जिसके काम लेना हो, जिसको उसको पंडित की उपाधि दे दीजिए। अगर पिछले 3 महीने से वहाँ इतना संघर्ष चल रहा था, तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर उनसे नहीं नियंत्रण हो रहा तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या जो भारत में रैपिड एक्शन फोर्स है दंगाइयों के लिए उसको वहाँ उतारा जाए? देखिए, वहाँ से सूचनाएं सरकार को बहुत लेट प्राप्त हुई। आप इसी से समझ लीजिए कि 5 मई या 12 मई की घटना है, उसका संज्ञान ही नहीं दिया गया केंद्र को। बनारस में कोई घटना घट जाती है, मुख्यमंत्री का निर्देश या वहाँ के प्रशासन का निर्देश आता है कि इसको कहीं से आप ना अखबार में छपेगा, ना कुछ में छपेगा, ना इसका कोई वो होगा, दब गई। आपको भी दबा दिया गया कि आप नहीं छाप इसको वो करेंगे, वरना आपका चैनल बंद। तो इस तरह से घटनाएं नहीं पहुंची, वरना 5 मई की घटना, जो कि इतनी बड़ी घटना थी कि कुकी संप्रदाय के लोगों ने, उसका नाम भी अजीब सा है, वो चार, उनको क्या हुआ, देखिए, जब इन लोगों ने आक्रमण किया तो फोर्स ने कुछ लोगों को बचा के जंगल में डाल दिया कि आप लोग यहाँ सुरक्षित रहो, और वहाँ फिर जा करके ये कुकी वाले उन लोगों को उठा लाए, ज़बरदस्ती मारते पीटते सब कुछ किए, घर जला दिए, सब कुछ किए। इसके बाद जो है रेप की घटनाएं हुई, 2-3, एक महिला की उम्र थी 17 साल, एक की 42 साल, एक था कि 52 साल, 17 साल वाली के साथ रेप किए, उसका भाई बचाने आए उसको मार दिए, ये कर दिए। तो ये सब घटनाएँ आई ही नहीं, न हम जानते हैं, न आप जानते हैं, न केंद्र सरकार जानती है। उनके पास AK-47, SLR और इंसास जैसे आज आधुनिक हथियार थे, म्यांमार से, चाइना से, ISI से, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की मंशा जानते हैं क्या थी, अंग्रेज़ों की मंशा थी कि मणिपुर को अलग कर दिया जाए, एक अलग अलग देश बना दिया जाए, और वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसमें रहे, अधीन रहे, सॉवरेंटी में रहे ब्रिटिश। लेकिन वहाँ के लोग इस बात को नहीं माने, ये उनकी बहुत बड़ी बात है कि वो लोग वहाँ की बात नहीं माने। जो चंद्र प्रताप सिंह वहाँ के और सुबोध प्रताप सिंह जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने मना कर दिया, है ना, मना कर दिया। इसके बाद अंग्रेज़ों की वहाँ नहीं चली, तो अंग्रेज़ों की जब नहीं चली तो जाते जाते चूँकि एक बहुत बड़ा समुदाय खड़ा कर गए थे,
तो वहाँ उन्होंने अपना आदमी भेजना शुरू किया। वहाँ इतनी ईसाई मिशनरियाँ बन गई कि उन्होंने सबको कन्वर्ट करने का जो है ठेका ले लिया, कन्वर्ट कराया। ये विद्रोह सिर्फ जातिगत विद्रोह है वहाँ पर, और कोई विद्रोह। और ये जो इंसास है ना, और ये सब जो SLR है, और ये जो AK-47 AK-57 है, ये सब चाइना से, पाकिस्तान से, ISI से, म्यांमार से, ये सब वहाँ सप्लाइड है। मिजो नेशनल फ्रंट को जो अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बंद किया, अब धीरे धीरे वहाँ पर जो है समरसता और सहायता लाने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, और आप देखिएगा धीरे धीरे एक महीने के अंदर मणिपुर शांत हो जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट को संज्ञान ही नहीं दिया गया। वो तो जब लीक हुई खबर से, अभी लीक ही ना हुई तभी ना 5 मई की घटना वायरल हुई, वरना तो नहीं। मणिपुर से आने वाली मीराबाई चानू, उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि मणिपुर को बचाइए, मेरा देश जल रहा है, मेरा प्रदेश जल रहा है। तो क्या इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, इस पर आपकी क्या? नहीं लिया गया, कभी कभी गवर्नमेंट सोती रहती है, इसको मैं मानता हूँ। तो आप मानते हैं ये सरकार की नाकामी है? नाकामी नहीं है, निष्क्रियता है, निष्क्रियता है। नाकामी तब मानेंगे जब वो कंट्रोल नहीं कर लेंगे। वो कंट्रोल करेंगे। मोदी जी को ये खबरें लेट में मिली हैं, PMO को लेट में मिली है, और आप ये देख रहे हैं जो ही मिली है अमित शाह का दौरा बढ़ गया है वहाँ पे, लगातार दौरे हो रहे हैं। सर, दो ऐसी महिलाएं मीराबाई चानू और मैरी कॉम जो हमारे पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका ट्वीट है मेरा मणिपुर जल रहा है। उन्होंने बाकायदा केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को टैग किया था। उन लोग का भी ट्वीट बहुत लेट में आया ना, उन लोग का ट्वीट 10-15 दिन का है, घटना मई से हो रही है। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर एलवी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, गवर्नमेंट वही है जो दिखाई दे, और मणिपुर की घटना का संज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि खबरें नहीं पहुंची। खबरें पहुंची हैं, अब कार्रवाई होगी, और देखिएगा एक महीना में मणिपुर एकदम जो है फर्स्ट क्लास जाएगा। ओके, नमस्ते मैम। 2024 में आप प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखना चाहती हैं? हम मोदी योगी को ही देखना चाहते हैं, और किसी को नहीं। मैं BJP की ही कार्यकर्ता हूँ। BJP की कार्यकर्ता हैं? उपाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, मोदी के सामने कौन आ सकता है? मोदी के सामने कोई नहीं आ सकता, हम लोग आने ही नहीं देंगे। हमारे साथ कुछ युवा भाई हैं, और युवाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में वो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे। नरेंद्र मोदी। आप वोटर हैं सर? जी। नरेंद्र मोदी ही क्यों? डेवलपमेंट किए हैं, एज कंपेयर करेंगे दूसरे प्रधानमंत्री से और नरेंद्र मोदी से, तो बनारस को स्पेशली ज़्यादा डेवलप किए हैं। मतलब ये जो घाट है वहाँ पर, नमो घाट, वहाँ पे कोई जाता नहीं था जल्दी, आज उसको ऐसा बना दिए हैं कि जो 80 घाट पर आता है वो नमो घाट पे ज़रूर जाता है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर होगा तभी भी लोग जाते हैं, 12 किलोमीटर। वहाँ पे कोई जाता नहीं था, वहाँ पे नाला नदी बहता था, लेकिन उनके कारण, श्री नरेंद्र मोदी के कारण, यहाँ के संसद भी हैं, वो प्रधानमंत्री ही हैं लेकिन बनारस से संसद भी उठते हैं, उनके कारण इतना डेवलपमेंट हो रहा, तो उनको ही दिया जाएगा, सीधी बात। विपक्ष, अगर आपको किसी को चुनना हुआ तो? वो तो निर्दलीय ही जीतेंगे। अगर मेरे हाथ में रहा कि किसको आप वो चूज़ करना चाहते हैं, तो हम नरेंद्र मोदी को ही करेंगे, मतलब उनको ही खाली उठाएंगे। मतलब आएगा तो मोदी, उसके अलावा कोई नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं। सर, आप इनसे पूछिए कि बनारस के विकास से क्या देश का विकास हो जाएगा? क्या सर ये पूछ रहे हैं कि बनारस के विकास से क्या देश का विकास हो जाएगा? जानते हैं देश के इकोनॉमी में टूरिज्म, जानते हैं कितना टूरिज्म कितना परसेंट वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन देता है? इनसे पूछिए पहले। सबसे ज़्यादा केरला में टूरिज्म जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा लोग केरला में आते हैं। नहीं, अभी हाल ही के सारणी में सर ये पता चला है कि टूरिज्म के मामले में गोवा को पीछे छोड़ के आज काशी नंबर एक पे है। भाई नहीं नहीं, अब शायद मुझे पता नहीं हो, लेकिन पहले जो 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 अगर टूरिज्म से भी विकास हो जाएगा तो बताइए, बनारस छोड़ के आपके बनारस है, वृंदावन है। तो विपक्ष से आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहें? ये सवाल ही नहीं है ना, सवाल ये है कि जो आपके पास अगर है, आप उसको जस्टिफाई नहीं। भाई साहब, अगर हम मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा थोड़ी है कि हम विपक्ष में किसी को सपोर्ट कर दे, ऐसा है? किसी को तो प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा, अगर मोदी नहीं तो कोई तो आएगा प्रधानमंत्री। आपके सामने दो चोर लोगों का ऑप्शन रहेगा, आप उसको चूज करेंगे कि नहीं, दोनों चोर हैं, फिर जो कम चोर है उसको चूज करेंगे आप? सही बोल रहे भाई, देश चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई नया चेहरा आना चाहिए, और उनसे अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन पड़े हुए हैं। इनसे बोलिए ना, ये भाजपा, ये मोदी जी के 5 काम गिना दिए आप। बहुत लोग हैं, मोदी जी के 5 काम गिनवा दीजिए। ये बोले थे कि घाट और ये सब बनवाने से कुछ होता नहीं है, तो 9% भारत की GDP जो है टूरिज्म के कारण होती है। जो देश में टूरिज्म होता है वो देश में डेवलपमेंट भी होता है। और दूसरी बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे,
कि क्या बोले थे पांच काम गिनवा दीजिए। चलिए, मेरे गांव में हाईवे निकल रहा है और जानते हैं रोड से क्या होता है डेवलप। आपके यहाँ का रेट बढ़ गया होगा सर? किस चीज़ का? जमीन की रेट बढ़ गई। जमीन की रेट बढ़ गई होगी। हमारे यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे गाजीपुर में सबसे ज्यादा, सुनो ना आगे सुनो तो, अरे सुनो एक मिनट रुको यार, हाईवे जा रहा है ना, हाईवे जा रहा है कि नहीं सुनो ना, हाईवे जा, एक सेकंड मेरे भाई, हाईवे जा रही है ना, एक का मान लिया चार और गिनाइए। चलिए अभी बात सही है, गूगल करो तो इनसे आप मणिपुर वाला पूछ लीजिए कि कुछ बोले क्यों नहीं प्रधानमंत्री, क्यों? क्योंकि बस वहाँ पे दो सीट है इसलिए। गाजीपुर में ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, अपने अपने बारे में बोलिए, अपने अपने। मोदी जी का कोई एक पर्सनली विकास नहीं है, बस विकास हुआ है अडानी का, अंबानी का, सबसे तगड़ा विकास उनका अंबानी का हुआ है, अडानी का हुआ है, पूरा रेल बेच दिया उन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया उन्होंने, क्या क्या बनाया, क्या है उसने, क्या कुछ नहीं बनाया। भारत की इकोनॉमी ना भैया चौथे नंबर पे आ गई है, चौथे नंबर पर, और बगल से हाईवे चली गई, विकास हो गया मोदी जी का, नहीं ये कुछ चौथे नंबर भैया नेहरू की देन है और मनमोहन की देन है की चौथे नंबर पे आ गई इकोनॉमी, कितना परसेंटेज है, छोड़िए नेहरू और मनमोहन सिंह का देन है की इकोनॉमी चौथे नंबर पे आई है, क्या बात कर रहे हैं आप? जब उनका वो था राज शासन था तो कितने पे थी, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट बताओ ना, बताओ ना यार, आप क्या उधर क्या देखो, कौटिल्य है, कौटिल्य है सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, कौटिल्य है, चाणक्य, ठीक। अगर मोदी जी ने विकास नहीं किया है तो आप विपक्ष से किसको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं? हम अगली बार राहुल गांधी से बेटर कोई नहीं है, और यहाँ पे अखिलेश और मोदी में टक्कर की फाइट होगी, आम आदमी और विकास वाकई में अखिलेश यादव ने ही किया था, उसका ये मजा ले रहे हैं। बताइए ना कि 100 डायल किसने लगाया, चालू किया था, कौन सी चीज 100 डायल किसने चालू किया था, पता ही नहीं है इनको, इनको पता ही नहीं कि 100 डायल क्या होता है, विकास काम और पूछो, कोई एक कोई बता दे, कोई काम ही नहीं है तो कौन बताएगा, हम बता रहे हैं ना। अभी आपने बात कही है कि अखिलेश, प्रधानमंत्री सत्ता, आपने बात कही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव टक्कर दे सकते हैं, देंगे, कड़ी टक्कर देंगे, और वोट प्रतिशत देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया, उनका कोई नहीं, वो उससे पहले भी आए हैं, नहीं उससे पहले भी, वो 2022 में भी अखिलेश के साथ गए थे, वोट शेयरिंग देख लीजिए, 36.37 पे अखिलेश यादव पाए हैं, 37.5 बीजेपी पाई है, तो इससे वोट शेयरिंग ज्यादा यूपी के अखिलेश यादव के पक्ष में है और ज्यादा इंडियन कन्वेंसी है भाजपा के तरफ से, इसलिए अखिलेश कड़ी टक्कर देंगे, जीतेंगे, 50-50 का चांस रहेगा। अरे बात करें इकोनॉमिक्स ही, इकोनॉमिक्स की माँ बहन कर दी है मोदी जी ने, और कोई काम नहीं किया, काम सिर्फ अडानी और अंबानी का किया है, बोले कि हवाई चप्पल पहनने वालों को आसमान में उड़ाएंगे, हवाई जहाज ही बेच दिए हैं, अब बताइए, बोले कि देश नहीं बिकने देंगे लेकिन देश ही बेच दिए, वो सोच जो बोलते हैं वो समझ लें उसका डेफिनेटली उल्टा करते हैं वो, और जो बोल देंगे कि हम ये नहीं करेंगे, माँ बहन की इज्जत पे कहा नहीं, 77 दिन तक मणिपुर में बोल दिए, बताइए हमारी बहन, मतलब हमारी बहन नहीं तो हमें चिंता नहीं होगी, ये देश मोदी जी का है क्या, मोदी जी 200-300 साल जिएंगे क्या, ये 100 बरस बाद जाएंगे ही, तो इस हिसाब से भैया हम लोग को सोचना चाहिए, और नहीं कि हम मोदी के, हम भी दिए थे 14 में वोट, 19 में भी दिए थे उनको, क्योंकि अभी आपने विपक्ष से बात कही है कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और विपक्ष में ही ये होड़ लगा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ममता बनर्जी कह रही हैं हम होंगे, नीतीश कुमार को लग रहा है कि वो होंगे, अभी उनका आपसी समन्वय नहीं बैठ पा रहा है कि विपक्ष से प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 चुनाव में कौन होगा। आपका क्वेश्चन सही है कि कौन होगा चुनाव में, लेकिन ये भी है, जिसका सीट ज्यादा रहेगा, जो उसके काबिल रहेगा, फिलहाल में तो अभी राहुल गांधी ही दिख रहा है ना, नीतीश अपने यूपी अगर बिहार में अच्छा करते हैं, अच्छे उनका अगर अच्छा सेटल करते हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन वो बिहार में किया है, देश में वो नहीं संभाल पाएंगे, राहुल गांधी ने पूरब से लेकर पश्चिम तक देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लोगों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, बताइए कहाँ की इंसानियत मर गई है, बीजेपी के शासन नहीं है वहाँ पे, आपको यहाँ अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग इंसान नहीं है, आज आपका शासन है, आप कनपट्टी में पिस्टल लगा के बोलवा रहे हैं हमसे, कल कोई और रहेगा वो भी करेगा तो आपको बुरा लग जाएगा, बुरा है कि अभी हम भी विपक्ष में जाएंगे तो बुरा लगेगा ही, आप देखिए कोई एक विकास नहीं बता पा रहे हैं, हम अखिलेश यादव का 10 विकास बता देंगे यहीं पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बताइए। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, एक चुनाव भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा देश का प्रधानमंत्री 77 दिन तक मणिपुर पे नहीं बोलता है, क्यों? वहाँ का सारा पहाड़ जिसने बेच दिया है अंबानी अंडानी को, वहाँ पे जो वो जिस समुदाय की महिला थी वहाँ को खाली कराने के लिए दंगा कराया जा रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं?